प्यार से कहना धन निरंकार जी, संतों बड़ा ही अच्छा शब्द है कृपा। लेकिन कृपा किससे प्राप्त करना चाहिए किससे नहीं, ये विवेक आप संतों के पास है, इस जगत के पास नहीं है। इसलिए कहा है दुर्जन की कृपा बुरी, भलो संत को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब वर्षण की आस, सूर्य तपता है तो बरसने की उम्मीद जागती है। अगर संत डांट फटकार भी लगा देता है तो उसमें भला है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति कृपा करे तो बुरी है। भाई कैसे, संत जो कृपा करता है उस कृपा को वापस नहीं लेता है, और दुष्ट व्यक्ति कृपा जो करता है, दुर्जन व्यक्ति जो कृपा करता है, कोई बात में बिगड़ जाती है तो कृपा को वापस ले लेता है। जो भला करता है वही बुरा कर देता है, जो जान बचाता है वही जान का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वो दुर्जन है। और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब स्वार्थ के पीछे हो रहा है, स्वार्थ किसी न किसी प्रकार से, और नहीं तो सम्मान का ही स्वार्थ होगा कि इस पर जो मैंने कृपा की है ये मेरा सम्मान करे, सम्मान में चूक आ गई तो बस कृपा खत्म और बुरा करना शुरू। इसलिए कृपा जब कभी भी हम प्राप्त करें तो संतों की प्राप्त करें, सतगुरु की कृपा हम प्राप्त करें, सतगुरु के कृपा पात्र बने, दुर्जन के कृपा पात्र न बने। दुष्ट व्यक्ति को कितना ही हम कुछ करने की कोशिश करें वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कामना का भगत है, और जो कामना के भगत होते हैं वो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि कामना का कोई अंत नहीं है। कामना तो बदलती रहती है, अलग अलग प्रकार की कामनाएं मन में आती रहती है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति की कामना भरी इच्छा खत्म हो तो उसकी कृपा सुरक्षित रहे, नहीं तो ब्याज बट्टे से वापस ले लेता है भाई कृपा को। इसलिए कृपा कृपा में अंतर है, किसकी कृपा लेना चाहिए किसकी कृपा नहीं लेना चाहिए, किसके गुण गाना चाहिए किसके नहीं गाना चाहिए, ये विवेक संतों से प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों से मैं समय आसना चाहूँगा। प्यार से कहना धन निरंकार जी।